डायरेक्टर फरहाद सामजी किसी का भाई किसी की जान लेकर आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले चलिए उनकी करियर की बिगेस्ट फ्लॉप मूवीज के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले उनकी आती है नंबर वन पे वचन पांडे, जिसमें अक्षय कुमार, कृति सेनन और अरशद वारसी लीड रोल में। मूवी को 160 करोड़ के बजट में बनाया गया था और वही मूवी ने सिर्फ 70 करोड़ का कलेक्शन किया था और बहुत बड़ी डिजास्टर फिल्म रही थी। सेकंड पे आती है उनकी एंटरटेनमेंट, इसमें भी अक्षय कुमार लीड रोल में थे और इस मूवी को 80 करोड़ के बजट में बनाया गया था और मूवी ने सिर्फ 90 करोड़ का कलेक्शन किया था और इस वजह से मेकर्स को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। और इन्हीं कारणों की वजह से लोग चाहते हैं कि फरहाद सामजी हेरा फेरी 3 को डायरेक्ट ना करें, क्योंकि जैसा आपको पता ही होगा कि अनाउंसमेंट हो चुकी है हेरा फेरी 3 को फरहाद सामजी डायरेक्ट कर रहे हैं। इस वजह से फैंस में थोड़ा डर बना हुआ है। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट करके बताना।